पहले आदमी हो जिसने मुनव्वर को मोस्ट अनडिजर्विंग कहा है। जितने लोग आए सब ने कहा, मैंने पूछा हु इज द विनर, सब कहते मुनव्वर। तुमको कोई नहीं चाहिए था, तुम हो नेशनल क्रश, सारी लड़कियों को तुम चाहिए। अबे ये भाई, ये जहाँ दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। बिग बॉस ने मेरे से उठक बैठक लगवाए थे शो के अंदर। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ले चुमा के दादा। That silence too loud. So hey guys, we are back with another reaction video. आज finally एक और बिग बॉस मीम रिव्यू करते हैं। बहुत दिनों के बाद बहुत सारे नए रील्स एंड मीम्स आए हैं। बॉस में अभी क्या चल रहा है, और फाइनली अनुराग भाबू भैया निकल चुके हैं। बहुत सारे मीम्स आया, तो पहले देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, फिर हम बात करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं बर्बाद हो चुका हूँ इस वक्त। कैन यू सी दैट द इज वॉचिंग दिस, और वो जिंदगी मेरी फैमिली नहीं देख रही है क्या मुनव्वर? ये सारी मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं ये चाहता हूँ तुम मुझे अब बख्श दो इन नॉट सेंस के प्लीज लीव मी अलोन। आई एम सेइंग जेन्युइनली आयशा, आई हैव हर्ट यू, मुझे प्लीज माफ कर दो। आपको चाहिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप प्लीज इस वक्त माफ कर दो। क्या यार, मुनव्वर के साथ सच में मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब सिचुएशन ऐसा हो चुका है, मतलब बोल के भी बोल नहीं पा रहे हैं मुनव्वर, इस सिचुएशन पे आ चुके हैं। और आयशा मालूम ने इस हफ्ते शायद मतलब लास्ट है, निकल जाएगी। आई डोंट थिंक से इतना जल्दी निकालेंगे, क्योंकि ये सब मतलब और भी ट्विस्ट लाने वाले हैं। बिग बॉस को तो हम ऑडियंस को तो बुरा लग रहा है मुनव्वर के लिए, लेकिन बिग बॉस को टीआरपी मिल रहा है, मसाला चाहिए, और भी कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। पहले तो एक लेवल तक था, अभी आप मतलब नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं। ये लास्ट लाइन बिल्कुल करेक्ट बोले, बिकॉज़ ही नीड्स टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड देन द नेक्स्ट एंड देन द नेक्स्ट। सलमान भाई बीइंग सलमान भाई, भाई मुनव्वर की मनारा की वॉइस में दर्द सुनने को मिला। नहीं, एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मुनव्वर के साथ जो भी हो रहा है, मतलब मनारा को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? मेरे को एक बात जानना है। जिस हिसाब से बोल रही थी, मतलब मनारा की वॉइस में सुनाई दे रहा है दर्द बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड वाला मतलब थोड़ा वाइब आ रहा है मेरे, क्लोज आ गई थी। अगर दोस्त है तो हाँ, दूसरों के सामने जाके मुनव्वर के ऐसा बोल रहे हैं, हाँ मुनव्वर ऐसा है ऐसा है, तो बुराई क्यों कर रहा है भाई? अब अगर दोस्त है तो दुनिया के सामने आप इसको एक्सपोज करना चाहती थी, माफी मंगवाना चाहती थी। अगर मैं मुनव्वर की जगह होता, मैं बोलता हाँ है। ओ आगे बोलो। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेते जा रहे थे, और सलमान खान गर्लफ्रेंड ही नहीं, दो तीन और चीजें सुनाई में दी थी। तो मैं तीन चीज नहीं है मुनव्वर बोल सलमान भाई बीइंग सलमान भाई, हमेशा ही उनका एक सेवेज रिप्लाई होता ही है। तो बोलो भाई, बोल तू, बोल मैं तेरे साथ, बोल 6 से 10 से सीधा बोल। ये मजा आया भाई, ये मजा आया। आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो, तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। ये बंदा अबे ये भाई, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अबे ये बंदा इतना एक्यूरेट एडिट करता है भाई, हर चीज में मास्किंग के साथ इतना एक्यूरेट करता है, बिल्कुल रियल लगता है। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में तो मुनव्वर काफी मैं मुनव्वर को बोलूंगी, मुनव्वर छाए हुए मुझे तो मुनव्वर भाई है। मुनव्वर ये तो नंबर मुनव्वर को बेस्ट नहीं है मुझे लगता है। अरे क्यों नहीं है? वो अच्छा ही खेलेगा, वो मुनव्वर है। ओ क्या बात है, वो अच्छा ही खेलेगा, वो मुनव्वर है। वो एक रियलिटी शो में उसके साथ रह चुकी है, उसको पता है। अच्छा तभी तो। और इतने बड़े बड़े स्टार्स आप देखो, आशीष चंचलानी और छोटे से लेके बड़े तक सब बस एक ही नाम ले रहे। और जो लोग बोल रहे थे कि हमारे बाबू भैया बहुत अच्छा खेल रहे थे, अनफेयर हुआ निकाल दिए, तो इतने बड़े बड़े लोग किसी ने भी एक ने भी क्यों नहीं नाम लिया तुम्हारे बाबू भैया का? किसी ने भी तो नहीं दिया कि नहीं जाकर अच्छा खेल रहे हैं। उसको पहचानते भी नहीं है कैसे नाम कैसे लेने तो वाला है। बड़े बड़े सब मुनव्वर का ही नाम ले रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख लो कौन अच्छा खेल रहा है। मैं अकेली हूँ यहाँ पे, अपेरेंटली किसी ने कुछ किया है, सलमान सर को बोला है, ही इज लेफ्ट। जिसने बोला होता वो बात तो सही है भाई। जैसे अनुराग ने स्टार्टिंग में थोड़ा शुरू किया था, उसे लगा तो सलमान खान को कुछ बोल दूंगा कि मेरे रोशना के बारे में निकल गया सीधा
के निकल दिया भाई, घर के अंदर भी जोकर था और अब बाहर भी जोकर बन गया। इतना ही नहीं, आप लोगों को याद होगा एक ईशा वाला टास्क हुआ था यूट्यूबर से सेलिब्रिटी में, जिस टास्क को मैं जीत गया था। एंड उस टास्क को जीतने के बाद ना बिग बॉस ने मेरे से उठक बैठक लगवाए थे उस शो के अंदर। वो प्रोमो में डाला गया था बट वो एपिसोड में या लाइव में कभी एयर हुआ ही नहीं, बट वो क्लिप कहीं ना कहीं किसी के पास है। सीधा हो गया भाई, हिसाब किताब बराबर होगा। नवर के सामने झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। बॉस की तरह बैठा है और नवर के सामने कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुम किसी की एक्स गर्लफ्रेंड को लेके आ रहे हो कि भाई यहाँ सबके सामने सॉर्ट आउट करो, वो जो चीज अगर किसी को सॉर्ट आउट करनी है तो वो शायद मेरे हिसाब से घर से बाहर भी हो सकती है और वन टू वन पर्सनल कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है। तो अगर कि भाई दैट इज द शिटियस्ट थिंग आई वुड से कि किसी को करेक्टर असैसिनेट करना एकदम नेशनल टेलीविजन पे, चलो सॉल्व करो यहाँ पर अपनी सबके सामने, दैट वाज द थिंग आई, दैट्स द ओनली रीजन आई डोंट लाइक इट, बिकॉज़ इट्स ऑल इन द हैंड ऑफ मेकर्स एंड इफ दे कैन नॉट ब्रिंग यू डाउन इन सम वे दे विल फाइंड अ वे टू डिग इट। तो मतलब दैट वाज लाइक मेरे हिसाब से दैट वाज वेरी बैड मूव एंड बहुत ही मतलब आई तो फाउंड इट वेरी स्केरी। मतलब अगली बार अगर मेरे को बिग बॉस में जाना पड़ेगा तो मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड आज तक कोई भी ऐसी लड़की जिसको मैसेज भी करा वो आके ये ना बोल रहे कि भाई, क्योंकि अगर उसको बिग बॉस जाना होगा तो दैट्स द इजीएस्ट थिंग दे कुड हैव डन। ये सही तो बात बहुत है, मतलब हाँ बिल्कुल, हाँ पॉइंट टू पॉइंट मतलब बोला है भाई ने। हाँ मतलब बिग बॉस अपने टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी हाथ तक किसी को भी इतना ज्यादा पर्सनल चीजें ला रहा है। एक हद तक जितना था स्टोरी था मसाला था वो ठीक था, लेकिन इतना ज्यादा कुछ ज्यादा ही पर्सनल जा रहा है अब। मैंने एंटरटेनमेंट अलग चीज है और पर्सनल अटैक जो भी है वो अलग चीज। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुनावर के फैन हम लोग पहले भी मुनावर के फैन थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है वो मुनावर फारूकी कैसा है ऑब्वियसली। तो आई थिंक हर कोई फैन जो भी है मुनावर फारूकी की सब ऑलरेडी देख रहा हूँ सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये सब से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, ये इमेज कुछ भी खराब नहीं हुआ है, वो अभी भी मुनावर के साथ स्टैंड ले रहे हैं, देखो आप हर जगह पे। तो ये कुछ नहीं होगा आगे और भी स्ट्रॉन्ग बन के। दूसरे जोकर है ना अंदर, मैं चाहूंगा कि तू इस ट्रैक से कहीं इधर ना चले जाना, नहीं सर, नहीं ताकि मैं तेरे ताकि फिर मैं तारा सिंह बन के तुझे पकड़ूंगा। कितने जा रहे हैं बेटा, तू कितने जा रहे हैं? कभी किसी को पेला है सर आपने? That silent is too loud. रणबीर भाई हेसिटेट भी नहीं किया। मैं लिपस्टिक डाल के आती हूँ। बाबू कम है। पापा लिपस्टिक ही तो है यार, क्या हो गया? And don't call her बाबू, call me बाबू। But आपको क्या? Then I will become महेश बाबू। या या या। पापा ये सब क्यों? बकवास। आ गई तुम्हारी गीतांजलि, ठीक है मैं जा रही हूँ। आलू वेट यार। अरे नहीं मैं मुक्का वुक्का मार दूंगी, लफड़ा हो जाएगा। आलू सीरियसली? अरे तुम मिलो ना यार, मैं खड़ी हूँ। आई गई तू। ये चुम्मा के द्वारा उसको तो। आलू मैं बस मिल रहा था यार। अबे तो ऐसा कौन मिलता है, हट निकल यहाँ से। आने दो इसको घर, सिखाती हूँ मिलना। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है बोल? आई नो भूपेंद्र जोगी। क्या अनिल सर इसको डायलॉग सिखा दो यार, अभी तक दान चबा रही है। नहीं एवरीबॉडी इज लविंग बॉबी टू यार, ठीक है फ्लेक्स मत कर। ब्लूटूथ उसको डायलॉग कैसे सिखाता है यार? रश्मिका को प्यार जोग नहीं जोग ऐसा कौन बोलता है यार? पिक्चर में ऐसा लग रहा था चिंगम चबा चबा के डायलॉग बोल रही थी वो स्क्रीन पे। यार वो बॉबी टू का है, पहली भी मैं उससे मिला था यही। अच्छा पीछे ही है, ओके। यार ये बार बार जूते में क्या चिपक, ये रश्मि का भी ना किधर भी थूक देती है चिंगम। अरे ये बहुत सारे है ऐसे डबिंग करते हैं, लेकिन मुझे मेरा फेवरेट है ये डबिंग आर्टिस्ट, मतलब जितने भी रिसेंटली मतलब बादशाह नाम का समथिंग, और जितने भी रिसेंटली डबिंग देखा है मैंने, रील्स देखा है, बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही फनी है। एक तो डबिंग लिपसिंग के साथ मैच भी होता है, फनी भी होता है, और जितने भी मतलब कैरेक्टर्स होते हैं सबका एक्यूरेट वॉइस होता है, बहुत ही कमाल का, बहुत एंटरटेनिंग है। शाउट आउट टू बादशाह फॉर दिस डबिंग। बादशाह भाई? नो नॉट बादशाह भाई, बादशाह ही गॉट समथिंग। देयर वाज द मेम रिव्यू ऑफ टुडे, और बहुत जल्द बिग बॉस खत्म होने वाला है, तो आप लोगों का इसमें क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट्स में बताओ, और नेक्स्ट हम बहुत जल्द करेंगे नेक्स्ट मेम रिव्यू। आप ऐसे और भी फनी चीज़ें फनी रील्स आपके पास है तो हमारे इंस्टाग्राम पे सेंड ज़रूर कर देना, यहाँ पे आपको यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम जल्दी ही। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, और जितने मतलब और जितने भी मुनव्वर फारूक की फैन है ऑफकोर्स कमेंट कर दो।